स्पीड ऑफ द वेव, जब कोई वेव ट्रैवल करती है तो डेफिनेटली उसकी कुछ स्पीड भी होती है। अब हम उसकी स्पीड को कैरेक्टराइज कर सकते हैं अगर हम उसकी फॉर एग्जांपल क्रेस्ट को देखेंगे, कि किसी खास डिस्टेंस को उसने कितने पीरियड ऑफ टाइम में ट्रैवल किया है। जब कोई वेव ट्रैवल कर रही होती है किसी मीडियम पर से, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ट्रांसवर्स वेव नज़र आ रही है, तो उसके जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो उसके साथ साथ ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे होते हैं। तो आप यहाँ पर इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि मीडियम के जो पार्टिकल हैं उनको हमने पार्टिकल सेलेक्ट किए हुए हैं, और जैसे जैसे वेव ट्रैवल कर रही है ये पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि एक कंप्लीट टाइम पीरियड के अंदर ये पार्टिकल कब कब कहाँ मौजूद होंगे, बिल्कुल इसी तरह से जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने देखा था। अब अगर हम इसको टाइम इंटरवल, जो टोटल टाइम इसने लिया है, उसको 1/4 इंटरवल्स में डिवाइड कर दें, तो हम हर इंटरवल के बाद इसका एक स्नैपशॉट लेके ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मीडियम के जो पार्टिकल हैं, जैसे जैसे वेव का क्रेस्ट ऊपर से गुजर रहा है उसी तरह से वो पार्टिकल कब और कहाँ मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब हमने इनिशियली t=0 पर ऑब्जर्व किया तो जो पार्टिकल थे मीडियम के वो इन पॉइंट्स पर यानी टॉप पोजिशन के ऊपर मौजूद थे। जैसे ही हमने 1/4 टाइम पीरियड के बाद उसको ऑब्जर्व किया, वेव ऊपर से पास कर रही है, तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये इक्विलिब्रियम पोजीशन तक आ चुके हैं। इसी तरह से अगर हम टाइम इंटरवल को हाफ टाइम पीरियड के बाद ऑब्जर्व करें, तो आप देखेंगे कि वो जो पार्टिकल थे वो पहले जो थे इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर थे, और अब ये मज़ीद ट्रैवल करके मैक्सिमम डाउन पोजीशन के ऊपर आ चुके हैं। इसी तरह से अगर हम टाइम पीरियड का 3/4 इंटरवल के बाद हम इसको ऑब्जर्व करें, तो आप देखेंगे कि ये पार्टिकल अब यहाँ से वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जा चुके हैं। और जब टाइम पीरियड जो है वो वन टाइम पीरियड्स के जो वन कंप्लीट वाइब्रेशन का टाइम है उसके बराबर हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि ये पार्टिकल एग्जैक्टली उन्हीं पोजिशंस के ऊपर वापस जा चुके हैं जहाँ से इनिशियली ये शुरू हुए थे। इट मीन्स कि बिल्कुल जिस तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक वाइब्रेशन जब कंप्लीट हो जाती है तो ऑब्जेक्ट उसी जगह पर आ जाता है जहां से इनिशियली उसने शुरू किया था। तो इस तरह से हम पार्टिकल की जो मीडियम के जो पार्टिकल हैं उनकी डिस्प्लेसमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं ओवर अ कंप्लीट टाइम पीरियड, जैसे जैसे वेव उसके ऊपर से पास करती है। अब हम इसको वेव की स्पीड से किस तरह से रिलेट करते हैं। जब हम वेव की स्पीड की बात करते हैं तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं दो चीज़ों की मदद से, उसकी वेवलेंथ और उसके टाइम पीरियड की मदद से। तो वेवलेंथ क्या है, दो जो कंजेक्टिव क्रेस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। यानी जब क्रेस्ट जो है वो दो कंजेक्टिव पॉइंट्स उन एग्जैक्टली रिपीट करके उसी दूसरे पॉइंट पर चला जाएगा, तो दरमियान में जो डिस्टेंस होगी उसको हम उसकी वेवलेंथ कहेंगे। तो वेवलेंथ को अगर हम देखें स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वेवलेंथ जितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, तो दैट इज़ द डिस्टेंस मूव्ड इन द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल। तो अगर वो जो जितना वेवलेंथ के बराबर वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है क्रेस्ट, उसको हम टी कह देते हैं, और वेवलेंथ को हम लेमडा कह देते हैं, तो उसकी जो स्पीड है वो लेमडा ओवर टी के बराबर हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि जो वेव की स्पीड है उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, और ये जो इक्वेशन है ये हर किस्म की वेव को कैरेक्टराइज करती है, और इसको हम नॉर्मली वेव इक्वेशन कहते हैं। तो वेव इक्वेशन जो है ये वेव की स्पीड, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ के दरमियान रिलेशन बताती है। तो अगर हम उसकी जो अभी हमने कैलकुलेट किया स्पीड का फार्मूला, दैट इज़ वी इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी, अगर हम 1/T को सेपरेटली लिख लें, लेमडा के साथ हम उसको मल्टीप्लाई कर लें, यानी इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लें, तो 1/T आप जानते हैं कि ये होती है फ्रीक्वेंसी। तो इट मीन्स कि हम यहाँ से वेव की स्पीड को फ्रीक्वेंसी और लेमडा के प्रोडक्ट के तौर पर लिख सकते हैं, और इसको हम वेव इक्वेशन कहते हैं।